ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा सुप्रीम टीवीएस उल्लासनगर ब्रांच को, जिन्होंने मुझे ये गाड़ी प्रोवाइड की वीडियो शूट करने के लिए। थैंक्स टू देम। शोरूम की सारी डिटेल्स और कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको गाड़ी से रिलेटेड कोई भी डाउट है या फिर टेस्ट राइड लेना है तो आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हेलो एवरीवन, दिस इज अकमदेश, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यंग राइड्स। आज मैं कंपैरिजन करने वाला हूँ वन एंड ओनली वन टीवीएस रॉनिन को अपने BS6 राइडिंग मोड्स वाला जो है अपाचे के साथ। जिन लोगों को पता होगा मैं ये ओन करता हूँ और ये रिसेंटली टीवीएस ने लॉन्च किया है। थोड़ी सी हवा आ रही होगी उसके लिए माफी चाहता हूँ, क्योंकि मैं ऐसे ओपन स्पेस में हूँ और बारिश का मौसम भी पूरा बना हुआ है। दोनों को साइड बाय साइड कंपैरिजन करेंगे। आप लोग दोनों गाड़ी का जो लुक है वो देख के समझ सकते हो कि दोनों का जो राइडिंग का जो फील है वो दोनों का अलग है। ये एक क्लासिक रेट्रो, एक स्क्रैम्बलर की तरह फील देती है, वेयर एज ये एक नेकेड स्पोर्ट एग्रेसिव लुक के साथ एक ये बाइक का परफॉर्मेंस है। दोनों के लुक के हिसाब से इनका परफॉर्मेंस भी वैसे ही है। ये एक काफ़ी लीनियर परफॉर्मेंस देता है, वेयर एज ये एक काफ़ी एक एग्रेसिव टाइप का परफॉर्मेंस देता है। इसी के गाड़ी के बारे में डिटेल रिव्यू आपको देता हूँ। ये है 40 लीटर का मेटल टैंक, को जॉइंट सीट मिलती है राइडर एज वेल एज पिलियन का। ये भी प्लास्टिक है, यहाँ पे आपको ये सीट खोलने के लिए की यहाँ पे दिया हुआ है। ये भी प्लास्टिक है, ये भी प्लास्टिक है, पीछे मेटल का है शायद ये वाला। और LED इंडिकेटर्स मिलते हैं दोनों, ये भी LED का है टेल लैंप, ये काफ़ी अच्छा दिखता है एक्चुअली। और यस, काफ़ी ब्राइट भी है। ये साइलेंसर कुछ ऐसा दिखता है, पीछे का लुक कुछ ऐसा है। काफ़ी लोगों को थोड़ा सा दिक्कत होता है कि ये जो गैप है, ये जो पीछे का गैप है ना, ये काफ़ी ज़्यादा ऐसे लगता है, बट दिखने में कुछ ख़राब लगता नहीं है। मैं सामने की तरफ ये भी मडगार्ड शायद मेटल का है, ये प्लास्टिक का है। और आगे की तरफ आपको टी वाला आपको DRL मिलेगा। सारी लाइट्स यहाँ पे दी हुई है, विच कंटेन्स न्यूट्रल इंजन लाइट, दोनों साइड इंडिकेटर, अपना फ्यूल इंडिकेटर, साइड कट ऑफ स्टैंड कट ऑफ सेंसर भी है और ABS का स्विच। कुछ इस तरीके का चाबी है इसका। और यहाँ पे पूरा ओपन स्पेस है, तो अगर आप इसको भरना चाहते हो तो जो रॉनिन है TVS इसका आपको विंडशील्ड भी देता है छोटा सा, और वो भी आप लगा सकते। कुछ मिरर्स है इसके, मिरर्स वाइड है, लेकिन ये जो पोजीशन है इसका लगाने का ये मुझे काफी छोटा लगा। ये जो लेंथ है, जब मैं पर्सनली इसको चला रहा था मुझे ऐसे फील हुआ कि इसके मिरर थोड़े से शॉर्ट है पीछे का व्यू देने के लिए कंपेयर टू अपाचे। जो फ्रंट का टायर है वो 17 110/70 का है, जो पीछे का टायर है वो 17 130/70 का है, तो पीछे का टायर थोड़ा सा विड्थ में ज़्यादा ब्रॉड है। और काफ़ी अच्छे टायर है, आप देख सकते हैं। मैं अभी ऑफ रोडिंग करके आ रहा था तो काफ़ी एक कॉन्फिडेंटली ऑफ रोडिंग इस पर आप कर सकते हो, और ऑन रोड भी परफॉर्मेंस इसका बहुत अच्छा है। टायर पर्सनली मुझे बहुत अच्छे लगे इसके। डिस्क का साइज़ अगर मैं आपको बताऊँ तो ये है 300 mm का डिस्क, और पीछे का जो है वो है 240 mm का डिस्क। इसका फ्रंट सस्पेंशन जो है वो शोवा का है, अपसाइड डाउन है और ये गोल्डन कलर का है। तो आपको जो मिडिल वाला रेंज है और जो टॉप वेरियंट है उसमें गोल्डन कलर का मिलेगा, और जो सबसे लो वाला वेरियंट है जिसमें सिंगल टोन कलर है उसमें आपको ये ब्लैक कलर का मिलेगा। इसमें सिंगल चैनल ABS है, फ्रंट व्हील में सिर्फ ABS है, पीछे का डिस्क ब्रेक है। सस्पेंशन है वो है 7-स्टेप एडजस्टेबल, जो कि अपाचे और इसका दोनों का सेम है। दोनों में पीछे के सस्पेंशन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। आगे का जो सस्पेंशन है मुझे फील हुआ कि आगे का थोड़ा सॉफ्ट है काफ़ी कंपेयर टू अपाचे, हालांकि दोनों में शोवा का सस्पेंशन है। ओके, इसका वेट अगर मैं बताऊँ तो 159 kg का वेट है, और जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो है 181 mm, वेयर एज अपाचे का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो है 180, 1 mm ज़्यादा बढ़ा दिया इसका। इधर यहाँ पे एक ये आपको बैश प्लेट मिलेगा, लेकिन ये एक फाइबर का है, मेटल का नहीं है। मेटल का देते तो थोड़ा ज़्यादा मज़ा आता। सीट हाइट जो है वो है 795 mm का, हाइट जो है वो 5'8" 5'9" का है, तो मेरा पैर आराम से पहुँच जाता है। वेरस अगर मेरे से कोई शॉर्ट गाय है तो उसके भी पैर आराम से पहुँच जाएंगे। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये विड्थ काफ़ी कम है, आगे की तरफ अगर आप देखोगे ना तो काफ़ी कम विड्थ है, तो इसके वजह से कम हाइट वाले बंदे भी आराम से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। देखते हो तो ये अलॉय के व्हील है दोनों साइड, और यहाँ पे एक प्रॉपर एक बहुत ही अच्छा एक फिनिश दिया हुआ है डायमंड कट की तरह। ये भी अलॉय है और पीछे का भी अलॉय व्हील यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें तीन मोड्स है, रेन, अर्बन और स्पोर्ट मोड है। ये डुअल चैनल ABS वाला वेरिएंट है। इंजन जो है वो 197 कुछ सीसी का इंजन है, मतलब 200 cc का इंजन है, और इसका जो इंजन है वो 225 cc का इंजन है। ये जो इंजन है ये 20 bhp का पावर प्रोड्यूस करता है और 19.93 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। अपाचे जो है
ये 20 bhp का पावर प्रोड्यूस करता है और 17.25 nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। तो इसका टॉर्क जो है वो थोड़ा सा कम है, इसका टॉर्क ज़्यादा है। द रीज़न इज़ कि इसका जो बोर है ना, ये जो ट्रैवल है इंजन का जो ट्रैवल होता है ना, ये बोर इसका ट्रैवलिंग थोड़ा ज़्यादा है। फ्रेंड्स ये होता है कि जो ज़्यादा गियर पे आप चलाओगे ना, जैसे फोर्थ या फिफ्थ गियर, तो फिफ्थ गियर में भी आप 35-30 समथिंग स्पीड पे आप रह सकते हो। जैसे अगर आप क्रूज़ कर रहे हो और स्पीड ब्रेकर आ जाता है तो आपको ज़्यादातर टाइम गियर चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हाई गियर पे ही कम स्पीड पे आप इस पे चला पाओगे। वेयरएज अपाचे जो है वो ये नहीं कर पाता है, फिफ्थ गियर पे आप 35-30 बहुत मुश्किल से गलती से गए तो गए। इसमें दो बहुत अच्छे फीचर्स मुझे लगे। फर्स्ट इज साइलेंट स्टार्ट, जैसे आप स्टार्ट करते हो तो इनिशियली उसका आवाज़ आता नहीं है तो साइलेंट रहता है। जैसे अभी गाड़ी न्यूट्रल में है तो आप अगर स्टार्ट सुनोगे ऐसे कुछ इसका स्टार्ट है। और वेयरएज अपाचे जो है, अपाचे का शुरुआत में नॉइस आता है। सो अभी अगर आप अपाचे का देखोगे तो यहाँ पे तो ऐसे शुरुआत में आवाज़ आता है। दूसरा है कि इसमें स्टैंड कट ऑफ सेंसर है, इसका मतलब अगर स्टैंड लगा हुआ है तो आप गाड़ी सिर्फ ऑन कर पाओगे, जैसे अभी ऑन हो गया, लेकिन जैसे ही आप गियर में डालोगे गाड़ी बंद पड़ जाएगी। तो ये काफ़ी सेफ्टी के हिसाब से फीचर दिया है, जिस जो उसमें भी होना चाहिए था। एंड इसका जो टॉप वेरियंट है, इसमें आपको चार्जिंग पोर्ट भी मिल जाता है, USB चार्जिंग पोर्ट, जो इसमें नहीं है। इसका जो प्राइस है, इसके तीन वेरिएंट है। सिंगल टोन का जो प्राइस है एक्स शोरूम प्राइस वो है 1.49 लाख रुपीस। डुअल टोन का जो है, ये जो वेरिएंट मेरे पास है इसका 1.56 है उल्लासनगर में एक्स शोरूम प्राइस। ट्रिपल टोन में दो वेरिएंट आता है, एक आता है ब्लूटूथ के साथ, एक आता है बिना ब्लूटूथ के साथ। ब्लूटूथ के बिना वाला जो प्राइस है वो है 1.69 लाख रुपीस, और जो ब्लूटूथ के साथ मिलेगा उसका है 1.70 लाख। एक्स शोरूम प्राइस है, रोड पे आने तक इसका प्राइस बढ़ जाता है क्योंकि RTO वगैरह में पैसे देने पड़ते हैं। अपाचे का DRLs है, ये कुछ इस तरह है आईब्रो की तरह। और जो इसका दूसरा वाला वेरिएंट है ये 2021 वाला है। 2022 अपाचे जो है उसमें यहाँ पे सेंटर में एक मूंछ के जैसा DRL दिया हुआ है, ये आईब्रो की तरह नहीं है। इसका जो DRL है ये T है यहाँ पे, और ये हैजार्ड लाइट स्विच इसमें दिया हुआ है, इसका मतलब आपके चारों जो इंडिकेटर्स है वो ऑन कर सकते हो। ये LED इंडिकेटर्स है, बहुत ही प्यारे दिखते हैं, देखो इस तरफ है, और यहाँ पे आपको हेलोजन के इंडिकेटर्स दिए हुए रहते हैं। तो ये आप देखोगे, ये हेलोजन इंडिकेटर्स है, तो जो कि मुझे अपग्रेड करवाने हैं, इसको LED में बदलने हैं, यहाँ पे विंडशील्ड भी लगाना है, बहुत कुछ इसमें मॉडिफिकेशंस मुझे करना है। सो दोनों जो बाइक है, दोनों का इंजन का जो कूलिंग सिस्टम है वो सेम है, ऑयल कूल्ड और एयर कूल्ड। इंजन का जो ऑयल होगा उससे कूल होगा, और ये जो फिन्स है इसके वजह से एयर कूल होगा। रॉनिन में और एक बेनिफिट आपको होगा कि इसका जो सिटिंग पोजीशन है वो काफ़ी एग्रेसिव नहीं है, एक कंफर्टेबल सिटिंग पोजीशन है, तो आप काफ़ी दूर तक क्रूज कर सकते हो। सेकेंडली इसका जो पिलियन सीट है वो अलग स्प्लिट नहीं होने के वजह से आपके पेरेंट्स को या फिर जो काफ़ी बुजुर्ग लोग बैठ सकते हैं तो वो भी कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। तो अपाचे में कैसा है कि इसमें दोनों भी सीट्स है ना वो स्प्लिट है, और ये थोड़ा हायर साइड पे, इसका जो पीछे का जो पोजीशन हाइट है ना वो थोड़ा ज़्यादा है कंपेयर टू रॉनिन, तो माताजी को या फिर किसी बुजुर्ग लोग को बैठने के लिए काफ़ी दिक्कत हो सकती है। डेफिनेटली गाइस, क्योंकि ये एक नेकेड स्पोर्ट बाइक है उस हिसाब से इसका लुक दिया गया है, तो ये जो पोजीशन है ये आपको काफ़ी कंफर्ट देगा लॉन्ग राइड्स क्रूज करने के लिए। तो कुछ ऐसे पोजीशन है भी काफ़ी एक कंफर्ट बैठने के लिए। तो का जो सीटिंग पोजीशन है राइडर के लिए वो कुछ इस तरीके से है, कुछ पीछे की तरफ है। तो रॉनिन में जो हमने देखा वो कुछ आगे की तरफ है यहाँ पे, और अपाचे में पीछे है। आप अगर लॉन्ग राइड्स करते हो टूरिंग के टाइम पे, पिलियन को नी में काफ़ी बाद में प्रॉब्लम्स दे सकते हैं। अभी मैं अपाचे चलाता हूँ तो मेन आपको डिफरेंस कैरेक्टर में आपको मैं बताता हूँ कि इसमें जैसे आप गियर शिफ्ट करोगे ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, जैसे गियर शिफ्ट करते हो ना तो आपको तुरंत पावर मिलता है। लाइक ऐसे जैसे गियर शिफ्ट करते हो तुरंत पावर फील करके आप रेसिंग के हिसाब से इसका DNA बनाया गया है। वेयर इज ये कैसा है कि जैसे आप गियर शिफ्ट करोगे ना तो आपको एक लीनियर पावर मिलेगा, एकदम से ऐसे पिकअप मिलेगा नहीं, एक लीनियर पावर आपको हमेशा मिलेगा। सो गाइस जल्दी से एक टेस्ट राइड लेके आते हैं रॉनिन का। बारिश अभी ज़रा रुका हुआ है इसलिए मौका मिला है कि जल्दी से टेस्ट राइड ले सकते हैं। देखो साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर है वो काफ़ी अच्छा है। PM इसका जो है आइडियल RPM इसमें है 2100 का RPM है। सो जैसे कि मैं आपको बोल रहा था कि इसका जो पावर डिलीवरी है ना वो काफ़ी लीनियर है। देखो अभी मैंने जैसे गियर शिफ्ट किया ना तो वो इंस्टेंट एकदम उठ के पावर नहीं मिलेगा आपको, काफ़ी स्मूथली लीनियरली लेके जाएगा वो। और सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि इसका जो टर्निंग रेडियस है ना वो काफ़ी अच्छा लगा। जैसे अभी ये रोड है, इधर ही मैं दो बार ऐसे गाड़ी घुमा लूँगा,
कॉर्नरिंग इन शॉर्ट काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं। और जब मैं गाड़ी शोरूम से यहाँ पे लेके आ रहा था तो ट्रैफिक में भी काफ़ी आराम से काफ़ी इजीली आप निकाल सकते हो। सीटिंग पोजीशन जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक काफ़ी रिलैक्स्ड पोजीशन है, सीट भी काफ़ी कुशन्ड है, काफ़ी अच्छी सीट है। इसका अभी स्पीडोमीटर पे आपको जीरो दिख रहा होगा क्योंकि इसका ABS कनेक्टेड नहीं है, आगे का जो मीटर है स्पीडोमीटर वगैरह वो सब कनेक्टेड नहीं है, नई बाइक है इसलिए। इसका एग्जॉस्ट नोट भी बहुत अच्छा है। और एक बात, इसका जो DRL है आगे का T वाला, वो देख के काफ़ी अट्रैक्टिव बन जाती है ये गाड़ी। मैं पर्सनली जब शोरूम से गाड़ी यहाँ पे लेके आ रहा था तो काफ़ी लोग इसका DRL देख के ना गाड़ी को देखे जा रहे थे ऐसे, कौन सी गाड़ी है क्या है, काफ़ी अट्रैक्टिव DRL आगे का T वाला और काफ़ी अच्छा सा है। बस यहाँ पे आपको थोड़ा सा MT लग रहा होगा तो वो आप यहाँ पे, जैसे श्रीनिकेत ने अपने वीडियो में बताया, यहाँ पे आप मोबाइल होल्डर लगा सकते हो, सामने आप विंडशील्ड लगा सकते हो, तो वो सबसे आप भर के यहाँ ये जो स्पेस है MT पे ये भर सकते हो। इस गाड़ी में आप लोग सैडलिंग नहीं कर सकते मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि इसका जो फुटपैक है, फुटपैक पोजिशन है वो थोड़ा आगे की तरफ है, जिसके वजह से जब आप खड़े रहोगे तो मेटल के टाकी पे आपका पैर अड़ेगा, जिसके वजह से आप सैडलिंग इतना इजीली नहीं कर पाओगे, मुझे ऐसे फील हो रहा है। मेरे पैरों को ये टाकी लग रहा था तो इतना कंफर्टेबली मैं सैडलिंग नहीं कर पा रहा। वेर सो अभी चला के देखते हैं अपाचे को। 2021 का मॉडल, BS6 विद राइडिंग मोड्स। इसमें तीन मोड्स है, स्पोर्ट्स, अर्बन और रेन। रॉनिन में जो है उसमें दो मोड्स है, रेन मोड और अर्बन मोड। दोनों मोड्स में पावर डिलीवरी जो है वो टोटली सेम है दोनों मोड्स में जो रॉनिन में है, बस फर्क इतना है कि उसका जो ब्रेक का जो इंट्रूजन है ना वो डिफरेंट है। रेन मोड में ब्रेक थोड़ा इंट्रूजन मतलब अलग देगा और अर्बन मोड में थोड़ा ब्रेक का इंट्रूजन अलग होगा। वेर इन ये जो अपाचे है इसमें तीनों मोड्स के हिसाब से इसका पावर डिलीवरी अलग है और इसका ब्रेक का जो इंट्रूजन है वो भी अलग है। हैंडल बार राइज किया है जो मैं टूरिंग के लिए काफ़ी कंफर्टेबली अभी टूरिंग कर सकता हूँ ये हैंडल बार राइज के बाद। और देखो जैसे मैं बोल रहा था, इसके मिरर्स ना थोड़े से वाइड है और बाहर की तरफ है, जिसके वजह से मेरा हाथ इतना दिख नहीं रहा है, वजह से मेरा हाथ इतना ज़्यादा नहीं दिख रहा है, बट जो पीछे का व्यू है वो काफ़ी ज़्यादा मुझे मिल रहा है। तो ये एक मुझे फील हो रहा है कि इसका मिरर काफ़ी वाइड इनफ है। एग्जॉस्ट नोट की अगर बात करें तो दोनों भी गाड़ी का एग्जॉस्ट नोट अपनी तरफ है। TVS हमेशा कोशिश करता है कि अपनी गाड़ी का एग्जॉस्ट नोट काफ़ी हट के रखे। एंटॉर्क का भी है, राइडर का भी है, अपाचे का भी है, रॉनिन का भी है, सबका एग्जॉस्ट नोट बहुत अच्छा रखा है TVS ने। सीटिंग पोजीशन की अगर बात करें तो जैसे मैंने बोला कि इसके फुटपैक थोड़े पीछे की तरफ है, तो जिसके वजह से मैं सैडलिंग काफ़ी इजीली और काफ़ी अच्छे से कर पाता हूँ इस पर। और ये थोड़ा एग्रेसिव, मैंने जैसे आपको बताया था कि ये थोड़ा एग्रेसिव पोजीशन है बैठने का, तो जो फुटपैक है थोड़े पीछे की तरफ है। तो एज अ राइडर मुझे टूरिंग के टाइम पे कभी ऐसे फील नहीं हुआ कि मेरे पैर दुख रहे या फिर कुछ है, लेकिन पिलियन जो है राजस्थान राइड पे अमन मेरे पीछे बैठा था या फिर कोई भी राइड पे, तो हमेशा पिलियन ने मुझे कंप्लेंट किया है कि पिलियन बैठने के बाद ना नी में थोड़ा सा प्रॉब्लम जॉइंट में होता है, तो वो सिर्फ एक पॉइंट है। बाकी सीट का कुशनिंग की अगर बात करें तो रॉनिन का जो है सीट थोड़ा सा मुझे लगता है कि टूरिंग के हिसाब से बनाया गया। सो गाइज ये वीडियो था साइड बाय साइड कंपैरिजन TVS रॉनिन वर्सेस TVS अपाचे 204V BS6 मॉडल। इसके अलावा कोई डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, मैं कमेंट करके रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। सो यस गाइज इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। कमलेश ईयर, रॉनिन ईयर, अपाचे ईयर, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। कमलेश ईयर साइनिंग ऑफ, टेक केयर, खुदा हाफिज़, बाय बाय।